आज का टॉपिक है विजुअल परसेप्शन। हमारी आंखें दुनिया के लिए खिड़कियों की तरह होती हैं। हम कालीन पर लगे छोटे से दाग से लेकर आकाश में दूर स्थित तारों को देख सकते हैं। स्टेडियम में हम फुटबॉल को ट्रैक करते हैं और रंगों के लाखों अलग अलग वेरिएशंस को देख सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है? सबसे जरूरी चीज है लाइट। जब ये आंखों में पहुंचती है तो रेटिना पर पहुंचने से पहले लेंस और विट्रियस बॉडी से पास होती है। यहाँ इसका विभिन्न कामों में एक्सपर्ट लाखों छोटे फोटो रिसेप्टर सेल्स से सामना होता है। उदाहरण के लिए तीन प्रकार की कोन सेल्स लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ से रिएक्ट करती हैं। इसी कारण हम विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। हालांकि ये करने के लिए कोन्स को पर्याप्त लाइट की आवश्यकता होती है। रात में केवल रॉड्स एक्टिव होती हैं। वे हमें शेड्स और लाइट डार्क के कॉन्ट्रास्ट को समझने में मदद करती हैं, जो हमें अंधेरे में एक लैंप पोस्ट से टकराने से बचाता है। लेकिन सभी बिल्लियां रात में ग्रे नजर आती हैं। रॉड्स और कोन्स आने वाली लाइट की एनर्जी से रिएक्ट करती हैं और इसे उस भाषा में ट्रांसलेट करती हैं जो हमारा दिमाग समझ सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसके बाद कुछ और सेल्स इन सिग्नल्स को प्रोसेस करती हैं। इनमें से कुछ लाइट डार्क कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करती हैं और बाकी इमेज को शार्प करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मिलियंस रॉड्स और कोन्स लगभग 1 मिलियन नर्व सेल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और उनमें से प्रत्येक अलग तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है, जिनमें बहुत सारे टास्क जैसे कि शेप, कलर, मोशन, डायरेक्शन आदि शामिल है। नर्व सेल्स की बंडल्ड टेल ऑप्टिक नर्व बनाती है। ये रेटिना को केबल से सीधे दिमाग से जोड़ने की तरह है, जिससे तुरंत सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जो कई चीजों जैसे कार चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास दो आंखें हैं, इसलिए हमारे पास दो ऑप्टिक नर्व्स भी हैं। ये बाद में अपने रास्ते क्रॉस करती हैं और एक सबस्टेशन के माध्यम से सीधे हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं। विजुअल कॉर्टेक्स में दोनों आंखों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, फिल्टर, इंटरप्रेट और मौजूदा पैटर्न से कंपेयर किया जाता है और फिर एक कंप्लीट पिक्चर में रीअसेंबल किया जाता है। दिमाग के दूसरे भाग एक्सपीरियंस और इमोशंस के साथ इन एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। कुछ भी मिसिंग हो तो उसे भर दिया जाता है। ये सब आमतौर पर हमारे बिना जाने होता है। हालांकि कुछ खास स्टिमुलाई हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी भीड़ में एक परिचित चेहरा दिखाई देता है तो हम उसे और अधिक गौर से देखते हैं और कालीन पर लगे दाग को हम इग्नोर करते हैं। तो वास्तव में हम अपनी आंखों से नहीं देखते, बल्कि हम अपने दिमाग से देखते हैं। और विजुअल परसेप्शन के माध्यम से हर इंसान एक यूनिक मेंटल पिक्चर बनाता है।